दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता उदित राज बुरी तरह रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद की हार की वजह इंडी गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी और अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं का भीतरघात करार दिया है। इस बात का खुलासा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सौंपी रिपोर्ट में भी किया है। दिल्ली कांग्रेस के नेता उदित राज आप और कांग्रेस गठबंधन को लेकर कहा कि आपके विधायकों ने लोकसभा चुनाव में उनका साथ नहीं दिया। उन्हें डर था कि आने वाले एक साल में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। हालांकि उनके छोटे कार्यकर्ता साथ दे रहे थे। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग चुनाव में ईमानदारी से साथ देते तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। बुरी तरह उदास होते हुए उदित राज ने लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से मिली हार पर कहा बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी दिखाया गया था कि उत्तर पश्चिमी सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। मुझे मेरे ही पार्टी के लोगों ने अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाया। चुनाव के दौरान आप और कांग्रेस के बीच यह धारणा बन गई थी कि अगर लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस को वोट देते हैं तो वे आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको वोट नहीं देकर कांग्रेस को ही वोट देना पसंद करेंगे। इन सब वजहों से उत्तर पश्चिमी दिल्ली से मेरी खिलाफ साजिश रची गई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण विरोधी और जाट विरोधी अभियान चलाया। मेरे बारे में कहा गया कि मैं बाहरी हूँ, बीजेपी ने कुछ भी गलत नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे खिलाफ कार्ड खेला है, वही लोग पार्टी में ऊपर उठ रहे हैं। पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया कांग्रेस के उदित राज को सियासी शिकस्त देने में सफल रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया को चुनाव में कुल 8,66,000 वोट मिले थे, जबकि उदित राज को इस सीट पर 5,75,000 वोट मिले थे। योगेंद्र चंदोलिया ने करीब 2,90,000 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज को हराने में सफल रहे। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज करने में सफल हुई। इसके साथ ही बीजेपी के हिस्से में सभी सीटों पर जीत की हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। कभी इंडियन जस्टिस पार्टी की स्थापना करने वाले उदित राज ने साल 2014 में अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया था। इसके बाद वो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से साल 2014 से 2019 तक सांसद रहे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए करीब एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। इसके तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने उदित राज को उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव दंगल में उतारा था, लेकिन उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में अपने तीनों प्रत्याशियों की हार के बाद कांग्रेस पार्टी इस हार की समीक्षा कर रही है। दिल्ली में उदित राज, जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने 3 सीटों से प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस ने फैक्ट फंडिंग कमेटी बनाई थी। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं ने हार के लिए आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नेताओं ने कहा है कि चुनाव प्रचार में आपने उनका साथ नहीं दिया था। जानकारी के मुताबिक इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है।